है हमारे गांव का धारा, बड़ा खतरनाक रास्ता है। वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग, आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग के साथ। और तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैंने भी अपने नए दिन की शुरुआत कर चुकी है इसके साथ। और हम जा रहे हैं छिंदी के लिए और लकड़ी लाएंगे जलाने के लिए, क्योंकि जब बारिश होगी ना तो फिर ठंड से नहीं मरना पड़ेगा। हाँ, तो इसको साथ में लेके जा रही हूँ, ये घास काटेगी बल और बल तब बल है गाय को भी खिलाएगी। तो चलते हैं और आपको अपना प्यारा सा धारा दिखा देते हैं। हाँ। जिसमें नेचुरल वाटर आता है ना। हाँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। ये है हमारे गांव का धारा, पहले ना हम यहाँ कपड़े धोने आते थे है ना। हाँ, पर अब नहीं आती। सड़क पे। हाँ, तो ये है नेचुरल वाटर जो कि इन जंगलों से ऊपर से आता रहता है और कभी बंद नहीं होता है। रास्ते में पहुंच चुके हैं और सांस फूल रही है, इसकी तो जान फूल रही है। हाँ। बहुत टाइम बाद है ना। हाँ। आप आ रही धनपुरा धनपुरी आला तोरा का तोराला और मोरा काल मोरिया कर हटा जोराला तुली बेरे आए तू गुदा माला मेरी सर। ये मुझे बड़े खतरनाक रास्ते ले आए है ना। भाई मेरे पे बुढ़ने लगी। बुढ़ने नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा लग गए भाई मेरे पे। कोई नहीं कोई नहीं, लगते हैं लगते हैं पर अच्छी लगी। चलो ऊपर लकड़े साथ में लेके आना अपने। यहाँ से चलो भाई, रास्ता यहीं से यू कहीं को। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछना। तो कितना खतरनाक है, यहाँ ना कोई आएगा मर जाएगा सीधा। तुम्हारे तो पढ़ो हांगलो वही कर। तो देखो फ्रेंड्स, सारे गांव वालों ने कहते कि मैंने काटा ना वाले ना। तुमने क्यों नहीं काटा? कहाँ सो रखे थे तुम? सो रखे थे भले। गुस्सा आ रहा है ना, सच कड़वा होता कड़वा। हाथ काटे हैं ना। देखो मेरी दीदी से चार। ऐसे ऐसे दीदी सबको मिल जाएगा। इस तरफ मैं जा रही हूँ, इस तरफ तो देखते हैं कितने मिलते हैं हमको। तो ये सारे हमारे गांव के खेत हैं जो कि अब बंजर हो चुके हैं। जब हम छोटे छोटे थे ना तब ये खेत चलते थे, पर अब ये जो थोड़ा सा दिख रहा है और अपना गांव यहाँ से नहीं दिख रहा क्योंकि जंगल हो गए, थोड़ा सा दिख रहा मतलब, और दिख रहा है मट्टी। थोड़ा ऊपर उधर साइड चलते हैं ना। पहले ना हम छोटे छोटे थे तो आते रहते थे, अब आदत छूट गई ना। मेरे छेंटे आप कहाँ चले गए? गीड़े में। गीड़े में चले गए।
अच्छा तो इन पेड़ों के वो देख वो उस पेड़ पे बहुत ज्यादा है ना, इधर चलते हैं ऊपर ऊपर, तो कितना खतरनाक रास्ता है। रात को यहाँ ना बाघ रहता है, बाघ मतलब शाम को 5 बजे के बाद यहाँ आना बहुत खतरनाक है, और दिन को अकेले आना भी बहुत खतरनाक है। ये थकान बहुत ज्यादा है ना, ना कुछ मिला ना कुछ, मेहनत करी हाथी की और पाया चूहा। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आपको मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में एक कुछ नया लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहे। बाय बाय।